हे गाइस, मेरा नाम है सुब्रतो और अभी आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स इट। तो दोस्तों, वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप डिसोल्डरिंग पंप को यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे हाथ में देखिए अभी एक डिसोल्डरिंग पंप है, तो यही है वो डिसोल्डरिंग पंप। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग आयरन के मदद से हम लोग सर्किट बोर्ड में किसी भी कंपोनेंट को बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चीज़ तो हम लोगों को पता है, लेकिन अगर किसी भी कंपोनेंट को हमको रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? अभी जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसोल्डरिंग पंप। इसके मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को डिसोल्डर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। जो कंपोनेंट आपको रिमूव करना है, वो कंपोनेंट की जो लेग होता है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको पेस्ट लगाना पड़ेगा डिसोल्डरिंग यूज़ करने से पहले। तो चलिए पेस्ट हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद के जो प्रोसेस है आपको बताते हैं। देखिए, मेरे हाथ में अभी एक डिसोल्डरिंग पंप है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले डिसोल्डरिंग पंप के ऊपर आपको एक बटन मिल जाएगा। ये जो ऊपर जो बटन है, इसको आपको नीचे डाउन प्रेस करना है। उसके बाद जो और एक बटन है, उसको आपको थाम से प्रेस करना है और आयरन के मदद से आपको कंपोनेंट के जो लेग है उसके ऊपर हीट देना है। उसके बाद आपको बटन प्रेस करके उसके जो शोल्डर है उसको आपको डिसोल्डरिंग के अंदर उसको ले लेना है। इसी तरह आपको सारा जो लेग है कंपोनेंट का उसको रिमूव करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपका कंपोनेंट सर्किट बोर्ड से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा सोल्डर आपके सर्किट बोर्ड में रहेगा उसको थोड़ा आयरन के मदद से आपको उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपका जो कंपोनेंट है वो बड़ी आसानी से सर्किट बोर्ड से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, कैसे आप डिसोल्डरिंग पंप को यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।